प्रदेश की सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन बाहर निकल आया है तो विपक्ष सत्तारूढ़ दल के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर इस फोन टैपिंग के मामले में हमलावर है। तो इस पूरे मसले पर विपक्ष बयानबाजी कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने फोन टैपिंग मामले में प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा, सत्तारूढ़ दल के खुद के विधायक यह कह रहे हैं कि उनके टेलीफोन टैप हो रहे हैं। राठौड़ ने कहा, सरकार को पूरे मामले की जांच करवाकर निष्पक्षता से अपनी बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह सरकार फोन टैपिंग के मामले में पहले से संदेह के घेरे में थी जब पिछली बार सरकार की कुर्सी डगमगाई थी। टेपिंग के मामले में सत्तारूढ़ दल के खुद के विधायक ये कह रहे हैं उनके टेलीफोन टेप हो रहे हैं। सरकार को चाहिए पूरे मामले की जांच करा के निष्पक्षता से अपनी बात कहे। ये सरकार फोन टेपिंग के संदेह के घेरे में पहले से ही थी जब पिछली बार सरकार की कुर्सी जब डगमगाई थी, तब मुख्यमंत्री के खुद के निवास पर ओएसडी फोन की टेप जारी करे, एक मंत्री और विधायकों के बीच में वार्तालाप जारी करें, इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर फोन टेप होते थे और आज जो आशंका जाहिर की जा सकती है वो निर्मूल नहीं है। जब शक की सुई घूमनी चालू होती है तो आखिर सत्तारूढ़ दल के मुखिया की तरफ अपने आप ही वो सुई घूम जाती है, क्योंकि उन्हीं के खुद के विधायक ये कह रहे हैं फोन टेप हो रहे हैं। और पिछला जो सरकार का समय था उसके जब सरकार की कुर्सी डगमगाई हुई थी उसमें फोन टेप हुए भी थे। चूरू से ईटीवी भारत के लिए नरेश पारिक।